तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके चलेंगे तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है मोशन ऑफ ए बॉडी अटैच्ड टू ए होरिजॉन्टल स्प्रिंग इसको हम लोग ऐसे समझें जैसे सपोज कीजिए कि ये स्प्रिंग ये कोई इससे ये हमारा इस एक रेजिडेंट हो गया इस रेजिडेंट से ये स्प्रिंग है और ये एक मास है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इस तरह के हमने पहले भी वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था कि स्प्रिंग के केस में हम जानते थे कि क्या पड़ता है एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाता है स्प्रिंग इस जब इसको खींचा जाता है तो फिलहाल ये रेस्ट की स्टेट में तो इस समय इस पर कोई फोर्स नहीं है अब हमने क्या करा इसमें कि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दिया तो स्प्रिंग के जैसा आपको पता है स्प्रिंग को जब हम खींचेंगे सपोज़ हमने इधर को इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो ये बाहर जाएगा फिर ये अंदर आएगा जितना इधर को गया है उतना ही ये ये इसकी मेन पोजीशन होगी ये यहाँ को जाया यहाँ गया फिर ये अपनी मीन पर आएगा फिर ये मीन से अंदर जाएगा देन बैक इधर को आ जाएगा और इसका मोशन ये चलता रहेगा तो ये होता है स्प्रिंग का ओरिजोनटल स्प्रिंग का मोशन, कैसी मीनिंग है ये रेस्ट पोजिशन है इसकी मीन वाली पोजिशन इसको हमने एक्स डिस्टेंस इधर को खींच दिया इधर को गया फिर ये बैक मीन पर आएगा एक्स अंदर जाएगा और ये मोशन इसका इस प्रकार से चलता रहेगा तो इसका फोर्स के अला अगर हमने इसको एक्स डिस्प्लेस करा तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स इस पे फोर्स लग गया और एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू एल्फा ले लें मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू एक्स तो एल्फा इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स के बाई एम एक कॉन्स्टेंट हो गया तो अगर हम देखें तो एल्फा प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस एक्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस है तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा सिंपल हारमोनिक मोशन अब जब मोशन पहले तो आपको प्रूफ करना कर हमने कि मोशन सिंपल हारमोनिक है जब ये मोशन सिंपल हारमोनिक हो गया तो इसका अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो इसके टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे जो अल्फा इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स है इसका कंपेरिजन कर लेंगे सिंपल हारमोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेसन है एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो ओमेगा इस्क्वायर के इक्वल हो गया के बाई एम या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होता है टी इक्वल टू पाई वाई ओमेगा तो टू पाई अंडर रूट या पो उल्टा हो जाएगा एम बाय के तो ये तो आया हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का अब हम इसी के साथ एक इसका वर्टिकल स्प्रिंग वाला केस देखेंगे अब हम इसका दूसरा केस लेंगे कि जब ये एक वर्टिकल स्प्रिंग से कोई मास लटका हुआ है तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे ये हमारा सपोर्ट हो गया रीच सपोर्ट लेके चलेंगे इसमें कंडीशन ये लेंगे कि स्प्रिंग में फ्रिक्शन हम नहीं मानेंगे और ये मास हो गया अब आप देखें कि जो ये मास लगा है इस स्प्रिंग से ये हमने इस तरह से बांध दिया तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है नॉर्मल टेंडेंसी आप ये समझिए कि जब मास लगेगा तो ये नीचे को लंबा हो जाएगा तो जैसे ये स्प्रिंग की नेचुरल कंडीशन थी तो जैसे ही मास लगेगा ये कुछ लेंथ नीचे को खिंच जाएगा किस तरह से जी इतना कीजिए मान लिया ये एल लेंथ कीजिए तो जब ये एल लेंथ खींचा है तो अभी इसमें मोशन नहीं हुआ ये आराम से खींचा और यहाँ पर आके ये रेस्ट पर आ गया यानी कि इसने अपने आप को बैलेंस कर रखा है अभी इस बॉडी में मोशन नहीं हो रही तो ये अगर एल लेंथ ऊपर नीचे को खींचा है तो ऊपर को क्या लगेगा इसमें के एल फोर्स लग जाएगा और नीचे को इसका वेट अब चूंकि ये रेस्ट में है भी अभी इसमें कोई वर्टिकल मोशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे जो के एल है और एम जी है इन दोनों फोर्सेस का सम कितना हो जाएगा जीरो है नी के एल अपोजिट है एम जी नीचे को तो के एल इक्वल एम जी कहें तो ये जो के एल है ये मोशन के अपोजिट है तो के एल प्लस जो एम जी है उसका सम कितना हो जाएगा जीरो अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे ढंग से अगर हम इसको समझना चाहें तो वो क्या है कंसेप्ट कि एम जी लगा है डाउनवर्ड के एल लगा है अपवर्ड तो एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका ये है कि जो एफ इज इक्वल टू होगा ऊपर को लगा वो माइनस के एल होगा तो नेट फोर्स अगर इस पर बात करें तो के एल और एम जी इसका सम कितना हो गया जीरो तो एम जी इक्वल टू आ गया के एल एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि दोनों ही हमने डायरेक्शन के वाइज आपको एजिट कर दिए तो एम जी इक्वल के आ गया के एल क्योंकि ये बैलेंस वाली कंडीशन में तो घूम फिर के जो रिलेशनशिप आई वो रिलेशनशिप ये आई अपोजिट फोर्स है तो एम जी इक्वल टू के एल हो जाएगा तो एम जी इज इक्वल टू के एल ये हमारी इक्वेशन नंबर वन होगी अब ये मोशन कब शुरू होगा मोशन तब शुरू होगा जब हम इसको एक ये तो इसकी वेट के कारण इसकी रेस्ट पोजिशन ही है अब मोशन जब शुरू होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा एक फर्दर डिस्प्लेसमेंट और देना पड़ेगा मीन्स एल तो डिस्प्लेस था हम इसको एक डिस्प्लेसमेंट वाई और दे दें तो अब जो इस पर नेट फोर्स लगेगा ऊपर को क्या लगेगा कि एल प्लस वाई और एम जी लगा नीचे की ओर तो यानी कि अब नेट फोर्स इस पर कुछ और आ गया तो वो पहले तो हम देखेंगे ये फोर्स कितना है तो ये फोर्स की अगर हम बात करें लेट इसको अगर मैं एफ कह दूँ तो ये हो गया माइनस के एल प्लस वाई एम जी लगा है डाउनवर्ड तो अब जो नेट फोर्स हो गया माइनस के एल प्लस वाई प्लस एम जी तो जो नेट एफ नेट हो गया वो हो गया के एल प्लस वाई प्लस एम जी हो गया तो इस अब जब हमने इसको खींचा है तो खींचने के बाद क्या होगा क्योंकि एक एडिशनल फोर्स लगा तो अब बॉडी ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करने लग जाएगी तो यानी कि इसकी अगर हम पूरी कंसेप्ट को समझें तो ये कुछ ऐसी कंसेप्ट है कि जो ये एडिशनल के वाई फोर्स लगा है इस के वाई फोर्स के कारण ही बॉडी में क्या होंगे ऑसिलेशन होंगे ये तो रेस्ट वाली कंडीशन थी ये जो एडिशनल के वाई आया इस के वाई ने ही इसको मोशन दिया तो अगर यहाँ की बात करें तो ये क्या बना के एल माइनस के वाई प्लस एम जी एम जी इक्वल टू के एल है तो ये दोनों जीरो हो गया तो ये नेट फोर्स आ गया वो आ गया माइनस के वाई और इसको हम लिख देते हैं एम इन एल्फा ठीक है ना इसको हमने लिख दिया एम इन टू एल्फा एल्फा इसका जो होता है एक्सीलरेशन हो गया तो ये हो गया माइनस के वाई एल्फा इज इक्वल टू माइनस के वाई एम इंटू आई तो एल्फा प्रोपोर्शनल टू ऑफ फिर से देखिए एल्फा प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस वाई एक्सीरेशन प्रपोर्सनल टू ऑफ माइनस डिसप्लेसमेंट आ गया तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये मोशन कैसा है सिंपल हारमोनीम और इसके बाद हमने इसमें कुछ नहीं करना है इसके बाद थोड़ा सा इसमें एडिशनल वर्क जो है वो ये है इसका कंपेरिजन कर लेंगे एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई एम आ गया या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के एम तो इसका भी सेम वही टाइम पीरियड आ गया टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई के इसके बाद हम लोग टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग केस देखेंगे इसमें इसको दो तरह से ले सकते हैं दो केस में तो ज़्यादा स्प्रिंग भी हो सकते हैं फिलहाल हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो मीनिंग क्या है ये स्प्रिंग के केस हम दो तरह से लेते हैं तो पहली बार में ऐसा लेके चलते हैं कि जैसे ये स्प्रिंग है फिर यहाँ से एक दूसरी स्प्रिंग जोड़ दी अब दोनों स्प्रिंग अलग अलग हैं तो दोनों के जो है फोर्स कॉन्स्टेंट होंगे के और के ये भी डिफरेंट हो जाएंगे जो हम लॉ के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं ये मास हो गया तो अब इसमें क्या होगा जब आपने इस स्प्रिंग को खींचा तो मान लिया इस स्प्रिंग को मैंने सपोज कीजिए कि इस मास को इधर खींच दिया एक्सी डिस्टेंस ठीक है नहीं मैंने इस मास को इधर को यहाँ पे ले आया और ये खींच गया सपोज एक्सी डिस्टेंस तो ये जब खींचेगा तो दोनों स्प्रिंग भी खींचेंगी इस टाइप से तो लेट पहला वाला जो स्प्रिंग है वो एक्स वन खींचता है दूसरा वाले में एक्स टू का खिंचाव आता है यानी कि इसका एक्सपेंसन एक्स वन है इसका एक्सपेंसन एक्स टू है और नेट हमारा एक्स हो गया तो मीनिंग क्या है कि बॉडी का जो एक्सपेंशन एक्स है वो दोनों स्प्रिंगों के एक्सपेंशन के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग, अलग खींचेंगे अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी जैसे आपने खींचा तो ये अपनी और फोर्स लगाएंगे अब चूंकि दोनों स्प्रिंग सीरीज में तो दोनों के फोर्स क्या होंगे सेम हो जाएंगे तो मीनिंग क्या है कि अगर हम पहले स्प्रिंग की बात करें तो उस पर भी फोर्स एफ इक्वल टू के वन एक्स वन और दूसरा जो स्प्रिंग होगा उस पर भी फोर्स के टू एक्स टू यानी कि माइनस के वन एक्स वन और माइनस के टू एक्स टू तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है अगर हम यहाँ से एक्स वन की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी माइनस एफ अपॉन के वन और यहाँ से एक्स टू की वैल्यू निकालें तो माइनस एफ अपॉन के टू तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये बनता है एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ तो कॉमन आ जाता है वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू या x इज इक्वल टू माइनस एफ़ के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई के वन के टू तो नेट जो आ गया एफ इज इक्वल टू माइनस के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू एक्स और एफ इज इक्वल टू लिख दें एम इन टू एल्फा टू माइनस के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू एक्स और यहाँ से काम और करते हैं इसको डिवाइड भी कर देते हैं एम से तो यहाँ पर भी आप देखिए के वन के टू कॉन्स्टेंट है एम भी कॉन्स्टेंट है तो अल्फा फिर से क्या आ गया प्रोपोर्शनल टू अ माइनस है तो मोशन फिर से क्या आ गया सिंपल हारमोनी तो सिंपल हारमोनी मोशन आने के बाद इसकी कंपेरिजन कर लेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू या ओमेगाक्वल टू अंडर रूट K1 K2 upon K1 अपॉन प्लस तो टाइम पीरियड आ गया टू पाई अपॉन ओमेगा करेंगे तो ये आ जाएगा K1 वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू अब हम इसी का एक दूसरा केस लेते हैं जब कुछ इस तरह से स्प्रिंग जुड़ी होंगी मीनिंग क्या होगी कि बॉडी बीच में है और एक स्प्रिंग यहाँ पर है सेकेंड स्प्रिंग यहाँ पे तो इस केस में क्या होगा सपोज़ ये के वन और ये के टू कॉन्स्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंट की तो अगर आप इसको इधर को कंप्रेस करते हैं अगर ये एक्स कंप्रेस होगा तो ये क्या होगा इसका एक्स एक्सपेंसन हो जाएगा यानी कि एक अगर कंप्रेस होगा तो दूसरा एक्सपेंड हो जाएगा यानी कि एक को दबाया जाएगा तो दूसरा खींच जाएगा तो मीनिंग क्या है कि अब की बार दोनों का एक्स सेम है तो जैसे हमारा फोर्स होता है एफिक्वल टू माइनस के एक्स के वन अलग है तो एक्स सेम है तो दोनों के फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे दोनों पे अलग अलग जब ये एक्स दबेगा तो ये इधर को फोर्स लगाएगा और ये एक्सपेंड करेगा तो इस पर फोर्स इधर को लगाया जाएगा ठीक है नहीं तो यानी कि अगर हम देखें तो दोनों के फोर्स की डायरेक्शन फिर क्या आ गई सेम आ गई ये एक्स इधर को दबाया तो ये स्प्रिंग पर बॉडी पर कहाँ लगाएगा इधर को फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे माइनस के वन एक्स ये एक्सपेंड करा इधर को तो ये भी इधर को क्या करेगा के टू एक्सपोर्स लगाया तो नेट फोर्स क्या हो गया दोनों का सम हो गया तो एफ इज इक्वल टू आ गया माइनस के वन एक्स और माइनस के टू एक्स इसको एम इंटू एल्फा कर लिया तो माइनस के वन प्लस के टू इंटू एक्स या एल्फा इज इक्वल टू माइनस के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स तो एल्फा प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस एक्स तो पुनः फिर से ये मोशन एस आ गया कंपेरिजन कर लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर आ गया के वन प्लस के टू बाई एम या ओमेगा इक्वल टू आ गया अंडर रूट के वन प्लस के टू अपॉन एम तो इसका जो टाइम पीरियड आ गया टी इक्वल टू फाई अंडर रूट यह आ जाएगा एम ऊपर चला गया वो नीचे आ गया तो एम बाई के वन प्लस बच्चों आज के हमारे स्प्रिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं थैंक यू